विलागर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा के विश्लेषण के लिए मुखातिब हूं। आज का विषय वस्तु है करतारपुर कॉरिडोर और पाकिस्तान की मंशा। करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। करतारपुर साहिब सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती 23 नवंबर को काफी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे संसार भर में लोगों ने मानवता के उत्थान के लिए गुरु नानक देव जी के द्वारा दिए गए संदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे की इमारत और विकास को मंजूरी दे दी है। केंद्र की मंजूरी के बाद अब दिल्ली करतारपुर रास्ते का निर्माण करवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मद्देनजर यह फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले से भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने की सुविधा मिल सकेगी। इससे भारतीय तीर्थयात्री पूरे साल पाकिस्तान में स्थित इस गुरुद्वारे की यात्रा कर सकेंगे। करतारपुर साहिब सिखों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु नानक देव ने अपनी जिंदगी के आखिरी 17 साल 5 महीने और 9 दिन यहीं गुजारे थे। उनका सारा परिवार यहीं आकर बस गया था। उनके माता पिता और उनका देहांत भी यहीं पर हुआ था। उनकी याद में यहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसे करतारपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में है। करतारपुर की लाहौर से दूरी 120 किलोमीटर है। इसी जगह पर भको अर्थात नाम जपे, मेहनत करें और बांट कर खाएं का उपदेश दिया था। गुरु नानक देव की तरफ से भाई लहना जी को गुरु गद्दी भी इसी स्थान पर सौंपी गई थी, जिन्हें दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव ने यही समाधि ली थी। यह गुरुद्वारा रावी नदी के पास है और डेरा साहिब रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। यह गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। गुरुद्वारा भारत की तरफ से साफ नजर आता है। भारतीय सीमा की तरफ बसे श्रद्धालु सीमा पर खड़े होकर दूरबीन से इस गुरुद्वारा का दर्शन करते हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस बात का ध्यान रखती है कि इसके आसपास घास न जमा हो पाए और वह समय समय पर इसकी कटाई छटाई देखभाल इत्यादि करते रहते हैं ताकि इसे दूरबीन से दूर से भी देखा जा सके। अमेरिका स्थित एक एनजीओ इको सिख ने गुरुद्वारे के आसपास 100 एकड़ की जमीन पर जंगल का प्रस्ताव भी दिया था। गुरुद्वारे की वर्तमान बिल्डिंग करीब 1,35,600 रुपए की लागत से तैयार हुई थी। इस रकम को पटियाला के महाराज सरदार भूपिंदर सिंह की ओर से दान में दिया गया था। बाद में 1995 में पाकिस्तान की सरकार ने इसकी मरम्मत कराई थी। 2000 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर एक पुल बनाकर वीजा फ्री एंट्री देने का फैसला किया था। साल 2017 में भारत की संसदीय समिति ने कहा कि आपसी संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी भी तरह का कॉरिडोर संभव नहीं है। करतारपुर साहिब का मुद्दा पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के एक दावे के बाद चर्चा में आ गया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर
कमर जावेद बाजवा ने उनसे कहा कि पाकिस्तान करतारपुर साहिब गलियारा खोल सकता है। 22 नवंबर 2018 को 550वीं गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिखों को एक बड़ा तोहफा भारत सरकार ने दिया। करतारपुर कॉरिडोर को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी ताकि भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने की सुविधा मिल सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे की इमारत और विकास को मंजूरी दे दी है। केंद्र की मंजूरी के बाद अब दिल्ली करतारपुर रास्ते का निर्माण करवाया जाएगा। यह विकास कार्य पाकिस्तान से लगी सीमा तक करवाया जाएगा। इससे भारतीय तीर्थयात्री पूरे साल गुरुद्वारे की यात्रा कर सकेंगे। 28 नवंबर 2018 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर में गुरुद्वारा साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गलियारे की आधारशिला रखी। इस अवसर पर भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरसिमरत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे। इधर भारत में 26 नवंबर 2018 को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर का शिलान्यास उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। परिवहन मंत्रालय ने इस कॉरिडोर को पूरा करने के लिए सिर्फ 4 महीने का लक्ष्य रखा है। करतारपुर गलियारे के लिए डेरा बाबा नानक से करीब 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली सड़क बनाई जाएगी। अमेरिका में रहने वाले सिखों ने पंजाब में करतारपुर गलियारे की आधारशिला रखे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। प्रधानमंत्री के पक्ष में पारित एक प्रस्ताव में सिख ऑफ अमेरिका संगठन ने लिखा है, हम भारत और विदेशों में रहने वाले सिखों के पुराने सपने को पूरा करने तथा 26 नवंबर 2018 को करतारपुर गलियारे की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के आभारी हैं। प्रस्ताव में कहा गया है, चूंकि आधारशिला पाकिस्तान की ओर से भी रखी गई है, पूरी दुनिया के सिख इस तीर्थ यात्रा का पूरी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या करतारपुर कॉरिडोर रिश्तों की नई डोर बांधने का काम करेगी? ऐसा बहुत कम होता है कि गले मिलने पर हंगामा हो, अंजाम गलियारे बनाने पर खत्म हो। यह करिश्मा गुरु नानक देव के नाम पर ही हो सकता है। भारत और पाकिस्तान जहां सीमाओं पर बंकर बनाते रहे हैं, पहली बार गलियारे भी बनाएंगे ताकि सिख श्रद्धालु आते जाते रहें। दोनों मुल्कों के संबंध ने कई दौर देखे हैं। इस झगड़े को भारत पाकिस्तान के अलावा हिंदू मुसलमान का भी बना दिया जाता है ताकि उत्तर भारत की राजनीति में नेताओं के भाषण में कुछ जोश आ सके। दो देश एक दूसरे को दुश्मन जानकर लड़ते रहे, लेकिन सिख समुदाय ने दोनों से ही अपने लिए गलियारा मांग लिया। ऐसी कामयाबी टकराव के इतिहास में बहुत कम देखी गई है। यह गलियारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक कविता की तरह मौजूद होगा, एक संभावना की तरह कि जो लोग गले मिलने से कतराते थे वो गलियारा बनाते देखे जाएंगे। राजनीति कुछ और कराती है और नियति कुछ और। हालांकि शांति के लिए बड़ी पहल मानी जा रही इस कॉरिडोर के खुलने की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब सरकार के मंत्री एस रंधावा ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और बाकी मंत्रियों के नाम पर काला टेप लगा दिया। वे प्रकाश सिंह बादल और सुखवीर बादल के नाम लिखे जाने का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ करतारपुर कॉरिडोर के प्रति पाकिस्तान की दरियादिली ने कई सामरिक और रणनीतिक विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। भारत में एक तबका आतंकवाद
कश्मीर से पंजाब तक फैलाने की साजिश मान रहा है। पाकिस्तान ने गलियारे के आधारशिला कार्यक्रम के लिए सिद्धू के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी न्योता दिया था। कैप्टन अमरिंदर ने पाकिस्तान का न्योता ठुकरा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को निर्यात किए जाने के प्रयास का कड़ा विरोध किया। वे सिद्धू को भी पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते थे। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान जाने का मन बना चुका हूं। अमरिंदर ने अपने मंत्री सिद्धू के दौरे से किनारा कर लिया। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे को निजी दौरा बताया। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने सिद्धू से पाक न्योते पर हामी भरने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। उन्होंने कहा कि सिद्धू पाकिस्तान जाने का मन बना चुके थे, ऐसे में किसी को उसके निजी दौरे से नहीं रोका जा सकता। केंद्र सरकार ने यद्यपि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के कारण अपने दो मंत्रियों को उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान भेजा, किंतु सभी हुई प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद पर लगाम तक बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। सिद्धू के इससे पहले के पाकिस्तान दौरे पर काफी विवाद हुआ था। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर सिद्धू उनके बुलावे पर शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। वहां पर सिद्धू ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा से गले मिले थे। इस पर काफी विवाद हुआ था। सिद्धू जब से इमरान खान के शपथ ग्रहण से लौटे हैं, तब से जब तब इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि उन्हें दक्षिण भारत से ज्यादा पाकिस्तान में अपनापन लगता है, क्योंकि वहां की भाषा और संस्कृति उनकी भाषा और संस्कृति जैसी है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह में खालिस्तानी अलगाववादियों की भी मौजूदगी दिखी। आतंकी सरगना हाफिज सईद का सहयोगी और खालिस्तान समर्थक नेता गोपाल सिंह चावला तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ खड़ा दिखा। चावला ने बाजवा से हाथ ही मिलाया। गोपाल चावला ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और उसे फेसबुक के ऊपर अपलोड किया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं किसी चावला को नहीं जानता और पाकिस्तान में मेरे साथ हजारों लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, उसमें कौन क्या है मैं नहीं जानता। गोपाल सिंह चावला अपने भारत विरोधी रुख की वजह से जाना जाता है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से उसका करीबी रिश्ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मानना है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पीछे आईएसआई का कोई बहुत बड़ा मंसूबा है। वहीं पाकिस्तान में भी कईयों को लगता है कि करतारपुर के पीछे साजिश हो रही है। पाकिस्तान के धार्मिक राजनेता मौलाना फजलुर रहमान का भी मानना है कि करतारपुर कॉरिडोर ज्यूइश लॉबी के दबाव में अहमदिया समुदाय की सुविधा के लिए खोला गया है। मौलाना फजलुर रहमान के अनुसार अहमदिया लोग पूरी तौर पर सिख का वेश धारण कर करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए भारत में प्रवेश कर जाएंगे, फिर भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि करतारपुर कॉरिडोर के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गुगली में भारत फंस गया है। बस इसी के साथ मैं अपने विश्लेषण को विराम दे रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आता है तो मेरे चैनल रिलायबल वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।